वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहानू पता है कि अपनी लाइफ बहुत सोहनी है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। जिंदगी विच आन वाले उतार चढ़ा सी सौ दे झूले वांग हन, जो कदे खुशी का अनुभव करवांदे हन अते कदे गमी का। कदे इंज लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर दूजे ही पल यह लगता है कि जिंदगी दे विचो सिर्फ निराशा ही निराशा है। लगता है कि जिंदगी दे विचो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हन, पर दूजे ही पल इंज लगता है कि सोल्यूशनस भी हन। जे प्रॉब्लम्स हन तो सोल्यूशनस भी हन। वक्त, उम्र अते हालात दे बदलन दे नाल नाल साडे सोच विचार करन दे ढंग दे विच भी बहुत बदलाव आ जांदे हन, बहुत चेंजेस आ जांदियां हन। अपना हर विचार अपनी आने वाली जिंदगी अते जिंदगी जीवन दे हुनर नू प्रभावित करता है। जदों तुसी अपने आप नू बहुत सारियां मानसिक ते समाजिक जंजीरां विच बन्ने होए महसूस करदे हो अते इह समझदे हो कि तुहाडी जिंदगी विच सिर्फ और सिर्फ समस्यावां ही समस्यावां हन, हल नहीं, उस टाइम ते सब तो जरूरी हो जाता है कि तुसी अपनी समस्या ते कारण अते सोल्यूशन उपर फोकस करो। अन्या कि असी जिंदगी दे विच आन वाली मुश्किलां नू घटा तां नहीं सकदे, लेकिन अपनी सोच पूछ, समझदारी अते सही टेक्नीक यूज करन दे नाल असी उन्ना प्रॉब्लम्स दे सही सोल्यूशन जरूर लभ सकते हाँ अते जिंदगी नू होर बेहतर ते होर खूबसूरत बना सकते हाँ। अज मैं एक्वी मित्तल तुहाडे सामने समस्यावां अते उन्ना दे हल उपर अपने विचार पेश करन जा रही हाँ। प्यारे बच्चो, अपनी जिंदगी विच समस्यावां आन दे पांच कारण हन। पहला दोस्त, दूसरा घर, तीसरा स्कूल, चौथा समाज अते पंजवां आपा खुद। इन्हां विचों समस्या कोई भी होवे, पर वो समस्या उदों बहुत वड्डी बन जांदी है जदों तुसी हर छोटी जी गल नूं अपने दिल ते लगा लैंदे हो, जिस करके तुहाडी पढ़ाई अते तुहाडा विकास रुक जांदा है। कई बच्चे अहिजे हुंदे हन जो दोस्ती नूं अपनी जिंदगी विच बहुत अहमियत दिंदे हन, पर जदों उन्हां दे फ्रेंड वल्लों कोई भी धोखा मिल जांदा है या किसी भी तरह दा कोई विश्वासघात हो जांदा है तां उस टाइम ते बच्चों दा मन टुट जांदा है। उन्हां का पढ़ाई दे विच भी दिल नहीं लगदा, वो खुद नूं अलग अलग समझन लग जांदे हन। जेकर तुसी भी अपनी जिंदगी दे विच कुछ प्रॉब्लम्स नूं महसूस कर रहे हो तां अपने अंदर झात मारो अते अपनी समस्या की पहचान करो। कुछ बच्चे इस लई बुझे बुझे या उदास रहिंदे हन क्योंकि उन्हां दे फ्रेंड्स उन्हां नूं कुछ अनैतिक कामां विच लगाउण दी कोशिश करदे हन या नशाखोरी विच लगाउण दी कोशिश करदे हन। कुछ बच्चों नूं आदत हुंदी है अपने दोस्तां नूं गलत नाम लै के बुलाउण दी, पर कुछ सेंसिटिव बच्चे इस गल नूं बर्दाश्त नहीं कर पाते ते ओह अपनी दोस्ती छड्ड के इकल्ले रहण लग जांदे हन अते टेंशन लैण लग जांदे हन। सिर्फ विद्यार्थी जीवन दे विच ही नहीं बल्कि उम्र दे हर दौर दे विच, उम्र दे हर पड़ाव दे विच हर इंसान लई दोस्ती बहुत माने रखती है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक इंसान दी पहचान उसके दोस्तों तो हो जाती है कि उसके दोस्त उसके संगी साथी किस तरह दे हन। सो दोस्ती करते हुए सामने वाले इंसान की पहचान करना भी बेहद जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि वह इंसान किसी भी तरह के अनैतिक कामों के विच या नशाखोरी के विच तां नहीं फसया होया। यह भी देखा जा सकता है कि वह इंसान दूसरों की कदर किन्नी करता है, उसके लिए दूसरों के प्रति की भावनावां हन। कुछ बच्चे अहिजे हुंदे हन जो अपने फ्रेंड दे नाल थोड़ी जी लड़ाई या मन मुटाव होने ते बिल्कुल ही मुँह मोड़ के बैठ जाते हैं। एक दूसरे नाल गलबात ना होने ते अपने फ्रेंड्स नाल, बाकी फ्रेंड्स दे नाल
या अपने घर दे नाल भी कट ऑफ हो जाते हैं, सारे नाल गल करना बंद कर देंगे। पर इत्थे तुहानू डरन दी झिझकन दी लोड़ नहीं, सगों अपने फ्रेंड नाल मिलके उस नाल गल करो अते जो भी गलत फहमी पैदा हुई है उसनू दूर करन दी कोशिश करो। तुहाडे आपस विच दूरियां उदों वध जांदियां हन जदों तुसी आपस विच गल करन दी बजाए गलत फहमी दी दीवार आपस विच खड़ी कर लैंदे हो। पर जदों तुसी मिल के नरमी नाल प्यार नाल आपस च गल करदे हो तां बहुत सारे वड्डे वड्डे मसलां दे हल भी आसानी नाल निकल जांदे हन अते तुसी फिर अपने फ्रेंड दे नाल बहुत प्यारे पलां नू शेयर कर सकदे हो, क्योंकि अपने फ्रेंड्स दे नाल आपां बहुत वधिया पल बिताने आ, खुशी दे हासियां वाले और चंगे यादगार पल। इन्हां खुशियां नू जीण वास्ते निक्कियां निक्कियां गलतियां अते गलतफहमियां नू दूर करन दी लोड़ हुंदी है। रिश्ते आकड़ दे नहीं बल्कि अपनेपन दे मोहताज हुंदे हन। इस तरह दे हर मौके ते तुसी जल्दबाजी विच फैसला लैण दी बजाए समस्या नू समझन ते उहदे हल नू करन दी पूरी कोशिश करो। हुण तक तुसी समझ ही चुके होवोंगे कि तुहाडी जिंदगी दे विच समस्यावां आउण दे कारण तुहाडे दोस्त हन या फिर कुछ होर। कुछ समस्यावां घर परिवार दे नाल भी जुड़ियां हो सकदियां हन। घर परिवार दे विच पैदा हुई समस्या दा सब तो वड्डा कारण यही हुंदा है कि घर परिवार दे सारे मैंबर्स एक दूसरे नाल टाइम स्पेंड नहीं करदे, एक दूसरे नाल टाइम नहीं बितांदे, सगों अपने दोस्तां नाल फोन नाल या किते होर अपना टाइम बितांदे हन। आपस विच चंगा समां ना गुजारन दे कारण जो प्रॉब्लम्स या जो परेशानियां एक दूसरे नूं महसूस हुंदियां हन वह आपस विच शेयर भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर पाते, जिस करके वह प्रॉब्लम्स होर ज़्यादा वध जांदियां हन। जे तुसी अपने भैन भरावां दे नाल सलीके नाल प्यार नाल हमदर्दी नाल पेश आओगे तां तुहाडे भैन भरावां दे कारण हो रहे मनमुटाव नूं भी दूर किया जा सकता है। अपने माता पिता दे नाल जे तुसी अज तो ही कुछ समां बितान लग जाओगे तां तुहाडी आन वालियां बहुत सारी मुश्किलां चुटकियां दे विच ही हल हो सकदियां हन। कुछ बच्चों की जिंदगी दे विच समस्या दा कारण स्कूल है। जदों पढ़ाई दे विच मन नहीं लगदा या बच्चे पेपरां तों टेस्टां तों डरन लग जांदे हन तां बहुत सारे बच्चे इस गल करके ही स्कूल तो गैर हाजिर रहना शुरू कर देंदे हन। स्कूल विच हो रही किसी भी एक्टिविटी विच दिलचस्पी नहीं दिखांदे, किसी भी सहपाठी नाल दोस्ती नहीं रखदे। उस दा नतीजा यह हुंदा है कि ओह बच्चे बुझे बुझे उदास ते होर ही दुनिया दे विच रहना शुरू कर देंदे हन, अपनी अलग दुनिया वसा लैंदे हन अते अध्यापक दे नाल भी गल करन तों डरन ते झिझकन लग जांदे हन। प्यारे बच्चो, जेकर तुहानू स्कूल दे विच किसी भी तरह दी कोई भी दिक्कत आंदी है तां तुसी अपने अध्यापक दे नाल अपने टीचर दे नाल अपनी किसी भी परेशानी दे बारे गल कर सकते हो ते सही मार्गदर्शन पा सकते हो। तुहाडे अध्यापक अपने ज्ञान अते तजर्बे दे नाल तुहानू हर मुश्किल चो बाहर निकाल सकते हन। कुछ बच्चों लई समस्या दा कारण समाज हो सकता है। हर बच्चा अलग मानसिकता अते अलग शख्सियत वाला हुंदा है। सहयोग अते अपनेपन दी भावना दी कमी दे कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जांदियां हन। कई बच्चों लई उन्हां दा आंढ गुआंढ ही उन्हां दी समस्या दा केंद्र बिंदु हुंदा है। अजिहा इस लई हुंदा है क्योंकि उन्हां दे विच विचारां दी सांझ नहीं हुंदी। प्यारे बच्चो, जे तुसी अपने समाज नूं अपने आंढ गुआंढ नूं अपने आस पास दे वातावरण नूं चंगी तरह समझण दी कोशिश करोगे और ये गल मन के चलोगे कि हर कोई इको जिहा नहीं हो सकता तां तुसी बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम्स तो बच सकते हो। शांति बना के रखने लई जरूरी है चुप रहो। जरूरी नहीं हुंदा कि हर गल का जवाब
उल्टा ही दिता जाए या जरूर दिता जाए। दोस्त, घर, स्कूल अते समाज तो अलावा समस्या का कारण है अपना खुद। इंसान सब तो वध दुखी उस टाइम ते हुंदा है जदों ओह दूसरे तो बहुत ज्यादा उम्मीद करता है, बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है। जदों कोई इंसान तुहाडी उम्मीदां ते खरा नहीं उतरता तां तुहाडा दिल टुट जांदा है। तुसी सामने वाले इंसान नूं समझण दी बजाए अपने नजरिए दे नाल उन्हां नूं देखदे हो, परखदे हो, और यही प्रॉब्लम्स दा कारण है। यही सोच नकारात्मक सोच बन जाती है जो तुहाडे विच आत्मविश्वास की कमी पैदा करती है, और आत्मविश्वास की कमी दे नाल तुसी सही समय ते सही फैसला नहीं ले पाते, भविख बारे नहीं सोच पाते। पढ़ाई, रिश्ते और अपने विचारां दे विच तुसी तालमेल नहीं बिठा पाते। होर ता होर सोशल मीडिया ते ज़्यादा समा बितान दा भी यही कारण है। ये सारी गल्लां अपनी शख्सियत ते माड़ा प्रभाव पाउंदियां हन। नकारात्मक सोच नूं जे असी सकारात्मक सोच दे विच बदल दईए तां बहुत सारी मुश्किलां दे हल असी कुछ पलां दे विच ही कर सकदे हां। तुसी सोच रहे होवोगे किवें कि इह किवें संभव है। एक एक्टिविटी राहीं तुहानूं इह गल जल्दी ही समझ आ जाएगी। तुसी अपनी वेलकम लाइफ दी कॉपी दे एक पेज ते प्रॉब्लम्स, दूसरे पेज ते इह लिखना है कि उस समस्या नूं तुसी किवें दूर कर सकदे हो। तीसरे पेज ते तुसी इह लिखना है कि तुसी अपनी इस समस्या नूं दूर करन दे लई किस दी मदद लै सकदे हो। फिर तुसी इन्हां प्रॉब्लम्स नूं एनालाइज करो। तुसी महसूस करोगे कि तुहाडी बहुत सारी समस्यावां दे हल बहुत जल्दी निकाले जा सकदे हन। ओह समस्यावां जो तुहानूं हुण तक परेशान कर रहियां सी अज तों बाद परेशान नहीं करनगियां। प्यारे बच्चो, कुछ समस्यावां अंदरूनी हो सकदियां हन ते कुछ बाहरी। इह समस्यावां तुहाडे घर, स्कूल जां समाज नाल संबंधित हो सकदियां हन, निजी जां दोस्तां नाल भी। प्रॉब्लम्स उदों तक ही प्रॉब्लम्स हुंदियां हन जदों तक उन्हां दे समाधान उपर, उन्हां दे सोल्यूशन उपर गौर ना कीता जाए। इह समस्यावां उदों होर वड्डियां हो जांदियां हन जदों तुसी इन्हां दे समाधान, इन्हां दे सोल्यूशन दे लई अपने हम उम्र साथी जां भैन भरा दी मदद लैंदे हो। पर की तुसी कदे इह सोचा है कि तुहाडे हम उम्र साथी जां भैन भरा कोल उन्ना तजर्बा अते ज्ञान नहीं है जिन्ना कि तुहाडे माता पिता जां अध्यापक कोल। प्यारे बच्चो, इन्हां समस्यावां नूं हल करन दी कोई ना कोई तकनीक भी हुंदी है। अज मैं तुहाडे नाल उन्हां चों इक तकनीक, सेफ हैबिट रूल्स दी गल करन जा रही हाँ, जिन्हां नूं अपना के समझ के तुसी अपनी समस्यावां दे समाधान कर सकते हो। यह है सेफ हैबिट्स रूल। एस मतलब शेयर विद एल्डर्स। ए अडॉप्ट अ हॉबी। एफ फॉलो टाइम टेबल। ई इंजॉय एवरी डे। एच हेल्प एवरीवन। ए अवॉइड ओवर यूज। बी बी स्ट्रेस फ्री। आई इमेजिन अ बेटर लाइफ। टी टेक अ ब्रेक। एस सेल्फ रियलाइजेशन। आओ एक एक करके इन्हां रूल्स नूं समझिए। फर्स्ट रूल है शेयर विद एल्डर्स, यानी कि वड्डियां दे नाल अपनी हर गल सांझी करो। बच्चियो, तुहाडी समस्यावां उदों तक ही तुहाडियां हन जदों तक तुसी अपने माता पिता जां अध्यापक दे नाल अपनी प्रॉब्लम्स नूं शेयर नहीं करदे। जदों तुसी अपने मन दे विच उठ रहे प्रश्नां दे जवाब इन्हां तों लवोंगे तां तुहाडी प्रॉब्लम्स इन्हां दे तजर्बे, सलाह, हौसले अते साथ दे नाल दूर हो जाणगियां। तुहाडे वड्डे
यानी कि तुहाडे माता पिता, तुहाडे अध्यापक, तुहाडी रीढ़ दी हड्डी हन जो तुहानूं हर कदम ते मजबूत बनांदे हन। अच्छा दसो कि तुसी सब तो वध विश्वास किस दे उपर करदे हो? तुसी अपनी समस्या अपने किसी अध्यापक जां माता पिता नाल सांझी करो ते अपना तजर्बा अपनी वेलकम लाइफ दी कॉपी दे उपर जरूर नोट करो। दूसरा रूल है अडॉप्ट अ हॉबी, यानी कि एक शौक अपनाओ। बच्चों जदों तुसी वेले हुंदे हो तां की करदे हो? कि तुसी अपने समय दा सदुपयोग करदे हो? जे हाँ तां किवें, जे नहीं तां क्यों नहीं? तुसी अपनी पसंद दी किसी भी एक्टिविटी नूं अपनी हॉबी बना सकते हो। तुहाडी हॉबी तुहाडे अंदर आत्मविश्वास वधाउण दे नाल नाल तुहाडे अंदर कला दा विकास भी करेगी। तुसी कोई भी हॉबी अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे वह हॉबी रीडिंग दी होए, कुछ रचनावां लिखण दी होए, पेंटिंग करन दी, गार्डनिंग करन दी, गाने सुनन दी, चाहे कलाकारी करन दी। थर्ड रूल है फॉलो टाइम टेबल, यानी कि समय सारणी दी पालना करो। प्यारे बच्चों, तुहाडी रूटीन तुहाडी आने वाली जिंदगी दी पौड़ी है। जिस तरह दा वक्त तुसी अज बिता रहे हो, तुहाडा आने वाला समा एदे उपर ही निर्भर करता है। तुसी अपनी समा सारणी यानी कि टाइम टेबल इस तरीके नाल बनाना है जिस विच कसरत, सैर, पढ़ाई, खेडां अते परिवार दे लई उचित समा होए। इस तरह दा टाइम टेबल तैयार करन दे नाल तुहाडी सेहत चंगी रहेगी, तुहानू पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी अते टेस्ट अते पेपरां दा सिलेबस तुसी समय ते याद कर सकोगे। अपने परिवार दे विच एक दूसरे दे नाल क्वालिटी टाइम बिताने दे नाल तुसी एक दूसरे दी फीलिंग्स नू, इमोशंस नू चंगी तरह समझ सकोगे और ये महसूस करोगे ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। फोर्थ रूल है इंजॉय एवरी डे, यानी कि तुसी अपनी जिंदगी नू पूरा खुल के जियो, हर दिन दा आनंद लो। प्यारे बच्चों, जिंदगी एक चक्कर व्यू है, खुशी अते गमी दा चक्कर चलता ही रहता है, इसलिए तुसी हर पल नू खुल के जियो, हर दिन हर खुशी दा भरपूर आनंद लवो। अजिहा करन दे नाल तुहाडी सोच सकारात्मक बनेगी अते तुसी खुश मिजाज बन जावोगे। तुसी अज अपनी वेलकम लाइफ दी कॉपी दे उपर ए वी लिखना है कि केड़ियां ओह दो गल्लां हन जिन्हां बारे सोच के तुहानू बहुत खुशी महसूस हुंदी है। फिफ्थ रूल है हेल्प एवरीवन, यानी कि हर किसी दी मदद करो। प्यारे बच्चों, सूरज अग दा गोला है, तपदा ही रहिंदा है, पर फिर भी हर दिन चमकदा है अते दूजिआं नूं रोशन दिंदा है। समस्यावां रूपी अग चाहे तुहानूं जिन्ना मर्जी तड़पान, परेशान करन, पर तुसी अपनी चंगीआं भावनावां अते संस्कारां नूं कदे भी खत्म नहीं होण देना। जदों भी मौका मिले तुसी अपने कदम दूसरिआं दी भलाई, दूसरिआं दी बेहतरी अते दूसरिआं दी मदद दे लई अगे वधाने हन। नंबर 6, अवॉयड ओवर यूज, यानी कि किसी भी चीज़ दी ज़्यादा वरतों, ज़्यादा यूज नहीं करना। बच्चों, हो सकता है तुसी अपने दिन दा ज़्यादा समा फोन ते जां सोशल मीडिया ते बिताते होवो। की तुहानूं पता है कि यह धात दा टुकड़ा यानी कि फोन तुहाडे भविख दे, तुहाडे फ्यूचर दे टुकड़े टुकड़े कर रहा है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ दी ज़्यादा वरतों माड़ी ही हुंदी है। इस तों बचण दे लई तुसी एक टैक्नीक अपना सकते हो। अपने घर दे कुछ कोने, कुछ कॉर्नरस, कुछ जगह फोन फ्री बनाओ। मतलब तुसी उत्थे पोस्टर बना के लगाओ या
लिशके लगाओ कि इस जगह ते फोन ले जाना मना है। सेवंथ रूल है बी स्ट्रेस फ्री, यानी कि तनाव मुक्त रहो। प्यारे बच्चों, स्ट्रेस टेंशन उदो ज्यादा वधदी है जो तुसी हद तो वध सोचों विच डुबे रहिंदे हो, यानी कि ओवर थिंकिंग करते हो। ज्यादा टेंशन दे विच रहन दे नाल तुहाडी सोच नकारात्मक बन जाती है। अपनी सोच दे उपर काबू रखन दे लई तुसी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर कोई चंगी किताब पढ़ सकते हो। एट्थ रूल है इमेजिन अ बेटर लाइफ, यानी कि अपनी बेहतर जिंदगी की कल्पना करो। प्यारे बच्चों, खुशियां सूरज की रोशनी की तरह हैं जो अपनी जिंदगी के हर कोने नू रुशनांदियां हैं। अज तुसी कुछ देर शांत बैठ के आइस क्लोज करके अपनी आन वाली जिंदगी की बेहतर कल्पना करनी है। उस तरह की जिंदगी की कल्पना करनी है जिस तरह की जिंदगी तुसी बिताना चाहते हो। नाइन्थ रूल है टेक अ ब्रेक, यानी कि अपनी रूटीन की लाइफ तो कुछ हट के करो। हर रोज इको जिही रूटीन होने करके तुसी कई बार खुद नू इकले अते निराश महसूस करते हो। इस तो बचन का एक ही उपाय है टेक अ ब्रेक। जिस तरह किसी गड्डी नू किसी व्हीकल नू बेकाबू होने तो बचाने दे लई ब्रेक लगाने पैंदे हन, ठीक उस तरह अपनी जिंदगी रूपी गड्डी दे ब्रेक लगाओ ताकि तुहाडी जिंदगी रूपी गड्डी दे ब्रेक फेल ना होन। टेंथ रूल है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि खुद दी ताकत महसूस करो, खुद नू महसूस करो। प्यारे बच्चों, तुसी अपने स्कूल दे विच गुलाब दा फुल कई बार देखा होएगा और हो सकता है तुसी यह नोट भी किया होए कि गुलाब दा कोमल फुल भावें कुछ दिन ही अपनी खुशबू बिखेरता है पर जिन्ना चिर खिड़े रहिंदा है सबनू खुशियां ही वंडदा है, सबनू खुशियां ही बिखेरदा है। गुलाब दा फुल अपने आस पास फैले हुए कंडियां तो बेखबर रहिंदा है ते हमेशा हसदा ही रहिंदा है। प्यारे बच्चों, साडे लई तां तुसी गुलाब दा फुल हो। असी चाहने हाँ कि तुसी हमेशा हसदे खेलदे रहो, तुहाडे चेहरे ते प्यारी जी मुस्कान हमेशा कायम रहे। जिंदगी विच समस्या रूपी कंडे तां आंदे जांदे रहणगे लेकिन तुसी हमेशा हसदे रहना है, अपनी अहमियत नूं समझना है। गुलाब दा फुल बन के हमेशा खुशबू ही बिखेरनी है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं हुंदी जिस दा सोल्यूशन ना होवे। जिवें तुसी देखा होएगा कि बिना चाबी तो कोई भी ताला नहीं हो सकता, सेम उसे तरीके नाल कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन तो नहीं हो सकती। जे प्रॉब्लम्स है तां सोल्यूशन्स भी है। प्यारे बच्चों, जे तुसी सारा दिन अपना सारा ध्यान अपना सारा वक्त अपनी प्रॉब्लम्स वाल ही दवोगे तां तुहानू हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आनगियां, पर जे तुसी अपना ध्यान हल वल लगाओगे सोल्यूशन वल लगाओगे तां तुहानू इको ही प्रॉब्लम दे बहुत सारे सोल्यूशन्स मिल जाएंगे। हुण इह तुहाडे ते निर्भर करता है कि तुहानू की चाहिदा है, समस्या जां समाधान। प्यारे बच्चों, अज तुसी अलग अलग तरह दियां बहुत सारियां प्रॉब्लम्स बारे सुनिया पर उस दे नाल नाल उन्हां प्रॉब्लम्स नू दूर करन दे कई ढंग कई हल ते कई टेक्निक्स बारे भी सुनिया अते जानिया। मैनू पूरी उम्मीद है कि तुसी अज तो बाद परेशान नहीं होंगे। जेकर कोई समस्या भी आंदी है तां उहदे हल उपर गौर करोंगे अपने वड्डियां दी मदद दे नाल, अपने साथियां दी मदद दे नाल अते मेरे द्वारा दसी गई टेक्निक्स दे नाल। अच्छा दसो, तुसी अपनी जिंदगी विच आ रही समस्या दा हल करन दे लई मेरे द्वारा दसी गई केड़ी टेक्निक केड़े रूल नू यूज करन जा रहे हो? हुण मैं तुहाडे तों इजाजत लैनी हां ते
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਬੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।